सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जब जब देश पर संकट आया है आरएसएस की स्वयंसेवक अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर अपना योगदान दिया है। अपने परिवार तथा जान को न्योछार कर देश हित को सर्वहित मानकर स्वयंसेवकों ने कार्य किया है। जाति धर्म ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव से कहीं ऊपर उठकर देश हित का कार्य ही आरएसएस का कार्य है। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक रामदास चक्रधर गुरुवार को मेदिनीनगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति नगर भवन में आयोजित महाविद्यालय विद्यार्थी समागम के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चक्रधर ने कहा कि भारत माता की भूमि पर सबसे अधिक संख्या युवाओं की है। समागम के अवसर पर जो विद्यार्थी आए हैं वे राष्ट्र के भविष्य हैं। सभी को सुभाष बाबू के जीवन को पढ़ना चाहिए तथा उनके द्वारा किए गए संघर्ष को याद करना चाहिए तथा अपने पथ प्रदर्शक के रूप में उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है लेकिन कोई जीवन को सार्थक नहीं बनाना चाहता। कहा, हम सभी को राष्ट्र हित के कार्यों के लिए अपने जीवन में अनुशासन के महत्व को समझकर उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन विभाग संचालक जानकी नंदन राणा, जिला संचालक दिनेश कश्यप, विभाग कार्यवाह राजीव सिंह, क्षेत्र प्रचारक रामदत्त चक्रधर, पूर्व प्रांत संचालक, प्रांत कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख गोपाल जी, विभाग प्रचारक रजनीकांत द्वारा संयुक्त रूप से भारत माता की तस्वीर के समक्ष संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रचारक सत्य प्रकाश, सह जिला कार्यवाह मनीष जी सहित काफी संख्या में संगठन के लोग मौजूद रहे।